और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि प्रत्येक बच्चे को हर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है? और जब आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है वो हमारा है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में सबको पता है कि हमें फादर के बच्चे को हमारे क्या बोलते हैं, हमारे दादी दादी के बच्चे हमारे क्या लगेंगे, हमारे मम्मी के बहन के बच्चे हमारे क्या लगेंगे, सबको रिलेशन पता है। लेकिन स्टेटमेंट के माध्यम से हम थोड़ी सी कन्फ्यूज होते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, सी इज ए मदर, सी इज ए मदर, सी इज ए मदर, डी इज सी फादर, डी इज सी फादर, डी इज सी फादर, ई इज बी सन, ई इज बी सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ठीक है? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। चलिए, हम सबसे पहले स्टेटमेंट के माध्यम से हम डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा चुटकी में हमारा आंसर आ जाएगा। A is B brother, यानी देखिए, A जो है brother है B का। तीर का निशान किसके तरफ है? B के तरफ है, यानी A brother है B का, यानी A भाई है B का। C is A mother, तो यहाँ C जो है वो mother है, mother के लिए M लिख देंगे, C mother है A की। D is C father, यहाँ D जो है वह father है C के। E is B son, E जो है E वह son है किसका? B का। अब यहाँ देखिए, son जब लिखेंगे तो SO लिखेंगे, क्योंकि sister और son दोनों S से होता है, तो son के लिए SO इंडिकेट करते हैं और सिस्टर के लिए एस आई। ई सन है, ई इज बी सन, यानी ई सन है बी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, अब यह डी ई के क्या लगेंगे, डी क्वेश्चन मार्क, यानी पूछ रहा है कि डी ई के क्या लगेंगे, ई डी के क्या लगेंगे, ये नहीं पूछ रहा है, डी ई के क्या लगेंगे। अब ध्यान से देखो, डी क्या है, इनके फादर हैं,
तो डी तो कन्फर्म हो गया कि ये क्या है, मेल है। तो पूछ रहा है कि डी किसके क्या लगेंगे, यह हमें पता होने से डी कि यह मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इसके पिता हैं और सी क्या है, इसकी माँ है। अब फिक्स हो गया कि ए के क्या है, दादाजी हैं, सॉरी नाना जी हैं, क्योंकि डी जो है सी के फादर हैं और सी जो है ए की मदर है। यानी माँ के पिताजी को हम क्या बोलते हैं, नाना जी बोलते हैं, यानी ग्रैंडफादर हो गए। और ये दोनों भाई, ए इसका क्या है, भाई है, पर यह पता नहीं है यह बी मेल है कि फीमेल है। बी का हमें पता नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है। और ई जो है इसका सन है, पर ई तो हमें पता है कि यह मेल है, ठीक है। तो ए और बी, ए इसका भाई है पर बी नहीं पता है मेल या फीमेल है, तब तो यह भाई भी हो सकता है, बन भी हो सकता है। तो माँ के फादर को हम क्या बोलते हैं, नाना जी, यानी ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर तो हमारे ग्रैंडफादर हो गए, यानी बी के या ग्रैंडफादर हो गए। और बी का जो बच्चा हो गया वह क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो डी हमारा पूछ रहा है तो ये तो हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो बी का जो बच्चा है उसका ये क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। यानी डी इसके क्या हो जाएंगे, डी ग्रेट ग्रैंडफादर। और ई डी का क्या लगेगा, ग्रेट ग्रैंड, और यह मेल है तो सन। तो यहाँ देखिए डी के पूछ रहा है तो ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, बहुत ही आसान है, केवल ये थोड़ा सा स्टेटमेंट के माध्यम से उलझाने की कोशिश करता है। पर हमें डायग्राम बनाने आना चाहिए, अगर डायग्राम हमने सही से बनाना सीख लिया तो चुटकी में आंसर बन जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट डाउन कर लिए, नहीं किए तो पॉज करके लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी व्हाइल बी एंड सी आर सिस्टर, व्हाइल जबकि बी एंड सी आर सिस्टर, आर बी एंड सी आर सिस्टर्स टू वन अनदर, ई इज द मदर ऑफ सी, E is the mother of C. If D is the son of E. Which is the following statement is correct? Correct. Statement first है, D is the maternal uncle of E. Option B है, E is the brother of B. E is the
ब्रदर ऑफ बी, ऑप्शन सी है डी इज द कजन ऑफ ए, डी इज द कजन ऑफ ए, बी एंड डी आर ब्रदर, ऑप्शन डी है बी एंड डी आर ब्रदर। चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के इसका डायग्राम बनाते हैं। ए इज सन ऑफ बी, यानी ध्यान से देखिए, ए जो है सन सिस्टर, एस से स्टार्ट होता है तो सन के लिए सो लिखेंगे। ए सन है किसका, बी का, वाइल जबकि बी एंड सी आर सिस्टर टू वन अनदर, तब बी और सी दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस्टर के लिए एस आई सिस्टर है। ई इज द मदर ऑफ सी, ई जो दिया हुआ है ई, यह मदर है, मदर एम किसकी है, सी की, ई मदर है सी की। इफ डी इज द सन ऑफ ई, डी जो है सन यानी एसओ, डी सन है ई का, तो हमसे पूछ रहा है विच इज द स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, तो डी बता रहा है मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल यानी मामा है, तो देखिए कौन, डी, डी सन है ई के और ई माँ है सी की, यानी ई माँ है, ई के बेटे हैं डी और ई की दो लड़कियां हैं बी और सी, यानी डी बी और सी ये तीनों क्या हो गए, भाई और बहन हो गए। तो बहन का जो बेटा होता है वो क्या लगता है, बहन का बेटा भगिना लगता है या भगनी लगती है, नीस लगता है, नेफे लगता है। तो बता पूछ रहा है कि डी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी जो है ए का मामा है, तो मामा है, तो पूछ रहा है विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट। बाकियों को हम चेक कर लेते हैं, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो बी और सी दोनों क्या हैं, सिस्टर हैं, यानी बी भी फीमेल है और सी भी फीमेल है। तो जब बी और सी दोनों फीमेल है तो बी का भी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी और ई क्या है, बी और सी की माँ है, तो ब्रदर है नहीं, गलत हो गया। डी इज़ द कज़न ऑफ ए, यानी डी बता रहा है ए का कज़न है यानी भाई है, तो हमें पता है कि डी बी और सी तीनों भाई बहन है और बी का या बेटा है, तो बहन का बेटा क्या होता है, क्या होता है, या तो बेटा है तो नेफे होगा, तो नेफे है तो कभी भी कजन नहीं होगा। बी एंड डी आर ब्रदर, तो बी देखो बी यहाँ है और बी एंड डी आर ब्रदर, तो डी तो सन है यानी डी हमारा मेल है, तो ये तो पता हो गया कि डी हमारा मेल है लेकिन बी हमारा क्या है, फीमेल है, तो डी मेल है बी फीमेल है, स्टेटमेंट कर रहा है बी और डी दोनों ब्रदर का मतलब है दोनों मेल है, पर बी हमारा फीमेल है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अपने भेजे में अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। ये सारी समझने के बाद ऐसा नहीं कि मूवी की तरह हम देख रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठ के पढ़ो और स्टडी करो, क्योंकि वक्त का जो कातिलाना हमला होगा उससे बचना इम्पॉसिबल है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना से देख रहे हो स्थिति कितनी ख़राब है, इसलिए जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो। जीवन है, जीवन बहुत ही खूबसूरत है, जब जन्म लिए हैं तो कुछ ऐसा काम करें, अच्छा काम करें, ऐसा नहीं कि गलत काम करें, कुछ ऐसा अच्छा काम करें जिससे जाने के बाद भी हमारे चाहने वाले हमें याद रखें, ठीक है। इसलिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओके, थैंक यू।